अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज जैसे मैंने आपको कल बताया था, हम बना रहे हैं आज आटा और गुड़ के साथ केक। ठीक है, आटा गुड़ चॉकलेट केक। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। एक कप है मेरे पास यहाँ आटा, होल व्हीट फ्लावर। उसमें हम डालेंगे आधा कप पाउडर की हुई या चॉप अप कर दीजिएगा गुड़, जैगरी है ये। ठीक है, फिर इसमें हम क्वार्टर कप ऑलिव ऑयल डालेंगे, फिलिप बेरियो। इसमें दो चम्मच हम डालेंगे कोको पाउडर, कॉफ़ी है एक चम्मच, दूध है मैंने यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है, लेकिन एक से दो चम्मच आप दूध डालेंगे। एक टीस्पून बेकिंग पाउडर है, एक चौथाई टीस्पून बेकिंग सोडा है, तीन अदद अंडे हैं। और अगर आपको इसको एगलेस बनाना है तो आप इसमें आधा कप दही शामिल कर सकते हैं। अच्छा, फिर वेनिला एसेंस है इसमें। ये आप परेशान नहीं होइएगा कि ये रंग वेनिला एसेंस का ऐसा क्यों है, इसलिए कि वेनिला बीन एसेंस है इसलिए। ठीक है, वरना नॉर्मली तो पिंकिश कलर का, मरून कलर का होता है ना। ठीक है, चुटकी भर हम इसमें नमक डालेंगे और चॉकलेट चिप्स हैं, जो कि नमक कहाँ गया, ओके आई नीड नमक, ओके ठीक है, और चॉकलेट चिप्स हैं, दैट्स इट। बस कोई भी टिन ग्रीस करके पेपर लगा के रेडी करके रख लीजिएगा। नमक शायद यहाँ होगा मेरे डब्बे में। ये हम यूज़ कर लेंगे एंड वील मेक आ केक। आज की दूसरी रेसिपी क्या है जी, आज की दूसरी रेसिपी पम्पकिन कूटू है। और ये मैंने आपको कहा था पम्पकिन लाल वाला जो कद्दू होता है उसकी स्लाइस एक बड़ी ले लीजिएगा, तीन चौथाई किलो जितना होना चाहिए। इसका बहुत सारे बीज निकल जाते हैं, इसका बहुत थिक सी स्किन सी होती है, उसको भी पील ऑफ करना होता है, फिर आप उसको चॉप अप कर दीजिएगा। ये जो रेसिपी है, ये जो वेजिटेबल है, ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं, लोगों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इसका सालन बना के उसमें झींगे डाल देती हूँ, या जब हम लोग धनसाक बनाते हैं तब भी मैं दाल के अंदर भी ये लाल वाला कद्दू डालती हूँ। बहुत सारी चीज़ों में हम इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। सालन टाइप बना रहे हों तो उसकी ग्रेवी को मज़ेदार करने के लिए और हेल्दी करने के लिए और बच्चों से छुपा के खिलाने के लिए आप ये डाल दीजिए चॉप अप करके, पता भी नहीं चलेगा टमाटर के साथ। ठीक है, सो उससे हम एक रेसिपी बनाएंगे। और यहाँ मेरे पास माश की दाल और चने की दाल है, लेकिन कोई भिगोई नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट हैव टू फ्राई इट। ठीक है, देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, रेसिपी ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। अब ये जो केक मैं बना रही हूँ बहुत ही डिफरेंट सा है। आप जैसे मैंने कहा अंडे की जगह आधा कप दही भी डाल सकते हैं इसको एगलेस बनाना हो तो, और फिर इसको हम बेक कर देंगे। टी टाइम के केक के तौर पर आज हम इसको बनाएंगे। नाउ एवरीथिंग हैज़ टू बी मिक्सड इन, कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, मैं कप ले लूँ और आधा कप मैं मेजर कर लूँ ऑलिव ऑयल फिलिप बेरियो, आधा कप। फिलिप बेरियो आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये वाला जो है ये मल्टीपर्पज़ है, बहुत सारी चीज़ों में हम इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर जो आपको ये नज़र आ रही है यहाँ बॉटल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये सैलड्स और ड्रेसिंग्स में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड इसको जो ये है माइल्ड एंड लाइट इन कलर, इसमें हम देसी कुकिंग कर सकते हैं, डीप फ्राइंग कर सकते हैं। सो आप भी कर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। ये हाफ कप ऑयल इसमें जाएगा, फिलिप बेरियो, एवरीथिंग हैज़ टू मिक्सड इन टुगेदर। ठीक है, पहले बहुत अच्छी तरह से हम अंडे बीट कर लेंगे। थोड़ा सा दूध मिक्स कर दीजिएगा, नॉर्मली हम पानी के साथ कॉफ़ी कर देते हैं ना मिक्स, आप दूध डाल दीजिएगा इस तरह और उसके साथ हम मिक्स कर देंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो भी ऐड दूध वरना नहीं। ठीक है, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है तो बहुत जल्दी ये मिक्स हो जाता है। और मैदा नहीं है इसमें, आटा है, तो आटे में हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों डाल देते हैं, फिर वेनिला एसेंस। ठीक है, और कॉफ़ी, कोको पाउडर, सब कुछ जाएगा, चॉकलेट चिप्स बिल्कुल एंड में जाएंगे।
अंडे पहले अच्छी तरह बीट कर लें। ऑलिव ऑयल, गुड़, मिक्स करिएगा। अगर नहीं मिक्स हो तो ट्राई एंड ब्रेक अप द लम्स, क्योंकि आई डोंट वांट के गुड़ के टुकड़े इस तरह, देखें ना ये कभी कुछ पीसेस रह गए हैं, तो लेट मी जस्ट ब्रेक देम अप। अच्छा जी, आज हमारे शो पे है डिलक्स हैंड मिक्सर यूनिक्स की तरफ से। अगर आपको जीतना है तो जल्दी से 888-1 पे आप मुझे बताएं किन चीज़ों में आप गुड़ डालते हैं, ठीक है, जैगरी, किन चीज़ों में हम जैगरी या गुड़ डालते हैं। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, अब इसमें हम कॉफ़ी डालेंगे। बहुत सारी चॉकलेट की रेसिपीज़ में कॉफ़ी डलती है, चॉकलेट का टेस्ट जो होता है ना वो भर के निकलता है कॉफ़ी डालने से, ये याद रखिएगा। फिर इसमें हम कोको पाउडर डालते हैं और मिक्स करते हैं। अब आटा और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब हम पहले स्पैचुला से मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम चॉकलेट चिप्स डाल देंगे और इसको हम बेक करने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, सब कुछ डाल दिया है, थोड़ा सा दूध जाएगा और बहुत थोड़ा सा, क्योंकि हमें ड्राई केक मिक्सचर नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि थोड़ा ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का तो हो ना। देखें, ठीक है, अब हमें बेक करने के लिए रख देना है इसको। आटा और गुड़ का ये चॉकलेट केक है हमारा, इसमें हमने ऑलिव ऑयल डाला है, फिलिप पेरियो ऑलिव ऑयल, अच्छा जी। जब तक मैं इसको निकालती हूँ, टिन में रखती हूँ, ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, आपने ब्रेक में बहुत सारे मैसेजेस कर देने हैं 888-1 पे। अगर आपको जीतना है यूनिक्स की तरफ से ये गिफ्ट जो कि आज डीलक्स हैंड मिक्सर है, अगर आपको भी मेरी तरफ से, मेरी तरह से केक बेकिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आपको ये बीटर बहुत काम आएगा घर में। आपने बताना है गुड़ किन चीज़ों में हम डालते हैं, ठीक है, जैगरी, मसाला एफ डी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। वेलकम बैक। दालचीनी की स्टिक आई वॉन्ट। अच्छा, ये देखें नाजरीन, उड़द की दाल यानी माश की दाल है और ये है चने की दाल, ठीक है, ये हो गया। इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है, फिर ग्राइंडर में सब कुछ पिसेगा भी, भिगोइएगा नहीं, हाँ, इसको ड्राई रोस्ट करना है बस। छोटी गोल लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है, टमाटर है,
ये नारियल है, आप डेसिकेटेड भी ले सकते हैं, मुझे समाव इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, ग्रेवी वगैरह में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये साबुत धनिया है, ये है राई दाना, इमली का गूदा है, ये पम्पकिन है, ठीक है, लाल वाला जो कद्दू होता है उसके छोटे छोटे पीसेस कर दीजिएगा। एंड अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे पहले चने की दाल और उड़द की दाल को, फिर उसको निकाल देंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ज़ीरा, ये सब कुछ एक में ही डाल देती हूँ, ज़ीरा और धनिया और लाल वाला, ओ सॉरी यहाँ है, यहाँ छुपी हुई थी, अभी देखा हमने, वही देखो, मैंने कहा मैं लाई थी, कहाँ चली गई, लाल वाली मिर्चें हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर आपने इसको सबको इसको अच्छी तरह आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है, प्लीज़ ड्राई रोस्ट ज़रूर करिएगा, उसी में अच्छा इसका फ्लेवर निकलता है। अच्छा, फॉर द केक मैं रिकैप कर दूँ, मैंने एक कप, अच्छा कॉलर है, ओके उनसे बात करते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है जी, आपका मैंने शो देखा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छा आप लोग पका रहे हैं। जी जी, वो सवाल का जवाब दे दूं? जी जी जरूर। ये जी आपने पूछा ना, गुड़ पंच चावल होते हैं, गुड़ का हलवा बनता है, वो डुंडा ही से कहते हैं पापड़ी, वो बनती है, गुड़ वाली रोटी, गुड़ की खीर भी बनती है, और वो जो है चाय में भी डलता है, चाय भी होती गुड़ वाली। ओके ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आपने हल्का सा भून के ना इसमें एक बोल में निकाल देना है, ठीक है। फिर आपने छोटी वाली गोल वाली लाल मिर्चें, दालचीनी की स्टिक, ज़ीरा और धनिया भी डाल देना है, उसको आपने और अच्छी तरह भून लेना है। अच्छा, नाउ फॉर द केक, आई वांटेड टू से केक में मैंने एक कप आटा डाला, आधा कप गुड़ डाला चॉप करके या कूट के, ठीक है, एक चौथाई कप मैंने फिलिपा पेरी ऑलिव ऑयल डाला, दो चमचे कोको पाउडर और एक चमचा भर के कॉफ़ी पाउडर लिया था, उसमें दो से तीन चम्मच मैंने दूध डाला था, बेकिंग पाउडर एक टीस्पून था, बेकिंग सोडा एक चौथाई टीस्पून था, तीन अदद अंडे थे, अगर अंडे नहीं डालना चाहें तो आप आधा कप दही भी शामिल कर सकते हैं। फिर दूध थोड़ा सा अलग से रखिएगा, बिकॉज मिक्सचर जब बनाएंगे आप बैटर, तो अगर गाढ़ा हो जाए तो यू विल नीड सम मिल्क। वेनिला एसेंस था, चुटकी भर मैंने नमक डाला था और चॉकलेट चिप्स। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, देखें, हमने ड्राई रोस्ट कर दिया चने की दाल, उड़द की दाल यानी माश की दाल, उसको रख दिया। फिर आपने उसी पैन में ड्राई रोस्ट करना है एक स्टिक दालचीनी की, चार पांच आपने छोटी गोल मिर्चें लेनी है, साबुत ज़ीरा साबुत धनिया आपने लिया है और आपने इसको भूनना है, ठीक है। ये जब हो जाएगा, खुशबू आ रही है, इसको बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं कर देना है, ठीक है। अब इसको आपने थोड़ा सा ठंडा करना है, अब इसको हमें पीसना है, सो चूल्हा बंद कर देते हैं, ये सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है, ठीक है। थोड़ी सी लाल मिर्चें आपको अलग रखनी हो, आप अलग भी रख सकते हैं, बट आई हैव जस्ट यूज्ड ऑल ऑफ दिस हियर। ये भी बहुत गर्म हो गया था, इसको हमें पहले ठंडा करना है, सो फॉर दैट ना यू नीड टू टेक इट आउट इन समथिंग एल्स। फिर हम इसी में डाल देते हैं, चले अच्छा जी, ओके थोड़ा सा मुझे इसको ठंडा करना है। अच्छा, मुझे अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, हम तेल गरम करेंगे, मैं फिलिपा पेरी ऑलिव ऑयल ही गरम करती हूँ, ठीक है। अच्छा, राई और कड़ी पत्ता, कॉलर हैं जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आप सुनाएं। शो बहुत अच्छा जा रहा है आपका। थैंक यू। सवाल का जवाब देना चाह रही थी। जी, गुड़ से चावल बनते हैं, गुड़ की चिक्की बनती है, और अभी आपने केक में भी गुड़ डाला है, इसके अलावा मिठाइयों में भी गुड़ डलता है। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, नोट कर दिया है आपका जवाब, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसमें आपने राई दाना डाल दिया। I don't think this is going to work. कड़ी पत्ता डाल दिए। और हल्दी, आप चाहें तो आप इसको पीस भी सकते हैं, ठीक है। शर्जील यहाँ आके लगा दो। मेरे हाथ से तो ये मशीन कभी बंद होता ही नहीं है। ठीक है, कड़ी पत्ता, हल्दी और राई दाना आपने फिलप बेरी ऑलिव ऑयल में डाल दिया। अब आपने ब्लेंडर लेना है, उसमें आप ये खोपरा डालेंगे, चाहें तो आप टमाटर भी डाल दें साथ में ही। इसको हम हटा देते हैं चूल्हे से, और थोड़ा सा पानी। खोपरा और टमाटर हमने पीस लिया, ठीक है। अब ये जो पम्पकिन है वो पूरा का पूरा आप इसमें डाल देंगे, लाल कद्दू, और मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ, उसको मैं भूनती रहूँगी, फिर हम वो मसाला डालेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनिक्स की तरफ से ये डिलक्स हैंड मिक्सर, तो जल्दी से 888-1 पे आप मुझे गुड़ से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। देखें, इतनी अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया है, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट भी होना शुरू हुआ है ये। अब जो मसाला हमने भुना था ना दाल के साथ, वो हम डालेंगे टेबलस्पून भर के, इतना सारा नहीं जाएगा, ओके। एंड देन आप उसमें ये टमाटर और जो हमने खोपरा डाला था वो आप डाल के, हमने ब्लेंड कर दिया था वो डालिए, और उसको आप पकने के लिए छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालिएगा, बिकॉज अभी एंड में हम जब ये हो जाएगी ना सब्ज़ी, तो हम इसमें डालेंगे इमली। ओके, नमक मैं नहीं भूल जाऊँ, सो आई हैव केप्ट इट हियर।
ठीक है ओके। सो मैंने क्या किया, चने की दाल और उड़द की दाल सोक नहीं करिएगा, उसको बस रख दीजिएगा एक पैन में, ड्राई रोस्ट करिएगा और भून के आप साइड में रख दीजिएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसी पैन में साबुत धनिया डालना है, साबुत ज़ीरा डालना है, छोटी गोल वाली मिर्चें डालनी है और दालचीनी की स्टिक डालनी है। वो डाल के भून लीजिएगा, थोड़ा सा ठंडा करके उसको एक छोटे ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिएगा। फिर उसमें आप खोपरा डाल दीजिएगा, खोपरे को पीस लीजिएगा, ठीक है। फिर टमाटर डाल दीजिएगा, टमाटर को भी मैंने साथ पीस लिया था। फिर आप पम्पकिन डाल के सारी चीज़ों को साथ पकाने के लिए छोड़ दीजिएगा। कड़ी पत्ते भी मैंने डाले थे, अच्छी तरह कड़ी पत्तों के साथ इसको भूनिएगा। मसाला हमने बहुत देर तक भूना है और ये जो मसाला था ये पूरा नहीं डालिएगा, यू कैन कीप दिस फॉर एनी अदर सब्जी, ठीक है। और छोटे छोटे पीसेस काटेंगे लाल कद्दू के तो जल्दी से वो गल भी जाएंगे। इस तरह करते जाइए, देन चेक। अच्छा, एंड में हमने इसमें इमली का गूदा डालना है, दैट्स इट। अच्छा, केक के लिए मैंने क्या किया था, केक के लिए सारे अज्जा हमने मिक्स कर देने हैं, बीट करना है आपने अच्छी तरह। गुड़ है चॉप किया हुआ या कूटा हुआ आधा कप, एक कप आटा है, ऑलिव ऑयल एक चौथाई कप है, कोको पाउडर दो चमचे है, एक चमचा कॉफ़ी है और एक से दो टेबलस्पून्स दूध में आपने कॉफ़ी को मिक्स कर देना है, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर है, एक चौथाई टीस्पून बेकिंग सोडा है, तीन अदद अंडे हैं या फिर आप उसकी जगह आधा कप दही भी डाल सकते हैं अगर आपको इसको एगलेस करना है तो। फिर वेनिला एसेंस था, नमक चुटकी भर और चॉकलेट चिप्स। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, फिर आप इसको प्रेस करके इस तरह कांटे से या छुरी से मेक श्योर कि ये हो गया है कि नहीं। देखें सब्ज़ी, देखा आपने बिल्कुल नरम, इसलिए मैं कहती हूँ छोटे पीसेस ज़रूर काटिएगा, क्यूब्स में होंगे ना छोटे छोटे चॉप किए हुए तो जल्दी ये पक भी जाएगा, वरना बहुत देर तक अगर आप पकाते रहेंगे किसी सब्ज़ी को तो इसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, सुनाइए। जी मैं जवाब देना चाहूँगी आपके सवाल का। जी जी जी, हम चाय में भी डालते हैं गुड़ और चिक्की भी बनाते हैं, ठीक है, और चावलों वाले होते नहीं है गुड़ वाले चावल। ओके जी, ठीक है, नोट कर दिया है आपका जवाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, बस इसको आप इस तरह करते रहिए, बस आपने एंड में खटास के लिए यू हैव टू ऐड सम ऑफ दिस इमली का गूदा, मेक श्योर कि कोई भी बीज नहीं आए, ठीक है, और आप इसको मिक्स करिए अच्छी तरह। चख लीजिएगा, मे बी इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड मोर सॉल्ट, आप नमक चेक कर लीजिएगा, हमेशा सीजनिंग्स चेक करने के बाद टेबल पे लेके जाते हैं, और इमली भी आप थोड़ी सी और डाल सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट, या अगर आपको थोड़ा सा और कुछ डालना है तो आप लेमन जूस डाल सकते हैं। ये थिक ही इस तरह की रहेगी जैसे भुजिया नहीं होती है वैसे, और पूड़ियों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। बस दिस इज़ डन। अच्छा जी, अब हम ब्रेक लें कि नहीं, ब्रेक ले लेते हैं हम, जब तक ये सिमर पे है। आँच मैंने बहुत हल्की कर ली है और आप लोग देखते रहिए फूड डायरीज़। अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट तो जल्दी से 888 पे आप मुझे बताएंगे गुड़ किस चीज़ों में हम डालते हैं, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। वेलकम बैक। ये मैंने केक यहाँ हो भी गया है, उसको मैंने काट भी दिया है और इसमें से इतनी
स्टीम अभी निकल रही है, आपको नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, हमारी पम्पकिन की जो रेसिपी थी वो भी हो गई है बिल्कुल, और इसको आप डिश में निकाल दीजिए और सर्व कर दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, एंड मेक श्योर कि पम्पकिन छोटे छोटे कटे हों तो जल्दी गल जाएंगे। ये मैं बार बार दोहरा रही हूँ, इसी तरह आप भी बनाइएगा और रेसिपी ट्राई करिएगा। देखने में ऐसे लग रहा है कि आपने आलू की भुजिया बनाई है, लेकिन दिस इज़ पम्पकिन। अगर आपने जीतना है इनिक्स की तरफ से गिफ्ट, जो कि आज है बीटर, जैसे मैं भी बीटर यूज़ करती हूँ बेकिंग वगैरह में, तो आप 888 पे मुझे बताएं, अभी भी वक्त है, गुड़ से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और आप जीत सकते हैं। अगर सिर्फ आपने करना है SMS, प्लीज़ आप कॉल करके भी कर दे सकते हैं जवाब, SMS भी कर सकते हैं, लेकिन आप फेसबुक पे नहीं लिखिएगा। फेसबुक के पेज वगैरह के पे अगर आप लिखेंगे तो फिर हम लोग कैसे काउंट करेंगे ना कुरानदाजी के लिए। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ मैं भी, आप भी? जी फरमाइए। गुड़ के आपने केक बनाया, ये मैंने परसों ही गुड़ का केक बनाया था। आपने भी बनाया था? जी, मैंने उसमें कॉफी नहीं डाली थी, लेकिन मैंने ऐसे ही करके बनाया था। क्या डाला था? कॉफी नहीं डाली थी मैंने। कॉफी नहीं डालती है, कोई बात नहीं। कोको पाउडर डाला था और ये ऐसे ही बनाया था, लेकिन बहुत मजे का बना था। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और गुड़ का केक जो आपने बनाया, मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी, गुड़ का केक जो आपने बनाया है बहुत मजे का, ठीक है। और मुंह में पानी आ रहा है, गुड़ के चावल, गुड़ की मीठी रोटी और सर्दियों की गुड़ के चाय बहुत मजे की बनती है। ओके, शौक से पीते, आपका शो में बहुत शौक से देखती हूँ। प्लीज ये गिफ्ट मुझे दीजिएगा, मैं आपको दुआ करूंगी, मुझे बहुत जरूरत है इसकी। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। जी मुझे नहीं पता, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई हैं, और आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। कल मैं क्या बना रही हूँ, कल मैं फ़िश कबाब्स बना रही हूँ, और उसको सर्व करेंगे हम बैंगन की एक डिश के साथ, आपको देखना है। और सूजी से हम ब्रेड बनाएंगे कल, सेमोलिना ब्रेड। लज्जत में 5 बजे लाइव समीना जलील बनाएंगी कोयला कढ़ाई बिरयानी और कैरेट कोकोनट मिल्क का हलवा, ठीक है। तो आप उनकी भी शो देखिएगा, लाइव शो, दूसरे भी हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड शोज देखिएगा, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा। फेसबुक पे मसाला टीवी का हमारा जो ऑफिशियल पेज है फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से, वहाँ जाके देखिएगा, तो वहाँ आपको फोटो सेक्शन में तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, ठीक है। तो मैंने कल भी दिखाया था पेज, तो इसी तरह हम देखते रहिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। केक इतना अच्छा बन भी गया है, टी टाइम केक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई केक पे कोई आइसिंग होनी चाहिए या ऐसे कुछ, प्लेन एंड सिंपल चीज़ें भी बनाया करें और खाया करें। और जो चीज़ें तेल की बनती हैं बेकिंग में, जो भी तेल आप डालो, जो भी तेल की चीज़ हो, कोई भी केक, फॉर एग्ज़ाम्पल एनी केक जिसमें आपने तेल डाला हो, वो उसी दिन खा लिया करें फ्रेश, ठीक है। मक्खन वाला केक 2-3 दिन सॉफ्ट रहता है और अच्छा सा रहता है, लेकिन तेल वाले केक्स फिर ड्राई आउट हो जाते हैं। तो जो लोग मक्खन नहीं यूज़ करना चाहते, वो तेल के साथ बनाए, ये बहुत ही हेल्दी सा केक है, इसलिए कि इसमें हमने आटा डाला है, गुड़ डाला है, और हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है, फिलिप बेरिया ऑलिव ऑयल। सो आई होप यू एन्जॉयड बोथ दीज रेसिपीज़, और आप इसी तरह देखते रहेंगे हमारा शो। अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से ये हैंड बीटर द मिक्सर, ठीक है। अच्छा, बहुत मुझे अभी याद आया, तो मैं बताती चलूँ। देखें, ये तो है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं दीज बीटर्स मिक्सिंग के लिए, बीटिंग के लिए, ठीक है। ये क्या है? ये जो है ये डो बनाने के लिए है, ठीक है, आटा गूंदने के लिए है। कोई भी डो बना रहे हो आप, तो इस ये वाले रॉड्स लगा के इस्तेमाल करिएगा। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं हिना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी फरमाइए। जी जी मैं आपका शो देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, हम सब घर वाले देखते हैं। थैंक यू जी। और आपकी सेहत ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। वो मैंने ना समीना आपा के शो में एक गिफ्ट विन किया था, 2 महीने हो गए मुझे अभी। अच्छा, तक नहीं मिला। अच्छा, अभी आप रखिएगा नहीं, डायरेक्टर साहब से बात कर लीजिएगा मेरे, ठीक है जी। उनकी वैसे टीम अलग है, लेकिन आप अभी बात कर सकते हैं हमारे डायरेक्टर साहब से। थैंक यू सो मच। ओके जी, एक और ब्रेक की तरफ चले, ठीक है, ब्रेक की तरफ चलते हैं, जरा क्लीन अप करते हैं। आप देखते रहिए मसाला टीवी।
आटा गुड़ चॉकलेट केक। अच्छा, गंदम का आटा 1 कप, गुड़ का पाउडर 1/2 कप, जैतून का तेल 1/4 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, कॉफी पाउडर 1 खाने के चमचा, गर्म दूध 2 चाय के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चाय के चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, दूध 1/3 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, चॉकलेट चिप्स 1/2 कप। तरकीब, अंडों को फेंट लें, फिर इनमें वनीला एसेंस, गुड़ का पाउडर, जैतून का तेल, कॉफ़ी मिक्सचर और गर्म दूध डालकर मिक्स कर लें। अब इसे फोल्ड करके बाकी तमाम अज्जा मिक्स कर दें। फिर ग्रीस किए हुए अलाइन केक टिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके सर्व करें। पम्पकिन कोटो। अज्जा, लाल कद्दू 3/4 किलो, टमाटर 1 अदद, ताज़ा खोपरा 1/4 कप, धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1/2 चाय का चमचा, चने की दाल 1 खाने का चमचा, उड़द की दाल 1 खाने का चमचा, खुश्क लाल मिर्च 5 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स 1/2 चाय का चमचा, कड़ी पत्ता 1 अदद, हल्दी 1/2 चाय का चमचा, इमली का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल 2 चाय के चमचे, नमक हसबे ज़रूरत। तरकीब, चने की दाल और उड़द की दाल को पैन में रोस्ट करके एक तरफ रख दें। उसके बाद पैन में धनिया, जीरा, 3 अदद लाल मिर्चें और दालचीनी खुशबू आने तक रोस्ट करके ठंडा करें और पीस लें। उसके बाद खोपरे में थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें। अब तेल गर्म करके ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, जीरा, खुश्क लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर चमचा चलाएं। फिर इसमें चॉप टमाटर डालकर भून लें। उसके बाद इसमें लाल कद्दू, पिसी हल्दी और नमक डालकर चंद मिनट सौते करें। फिर इसमें 1 कप पानी डालकर ढक्कन ढकें और 5 मिनट पका लें। अब खोपरे का पेस्ट डालकर कद्दू नरम होने तक पकाएं और मुसलसल चमचा चलाते रहें। जब कद्दू गल जाएं तो इमली का पेस्ट डालकर उबाल आने तक पकाएं। आखिर में चावल, रोटी या पूरी के साथ सर्व करें। जी, वेलकम बैक। एक्सक्यूज़ मी, दोनों रेसिपीज़ हमारी रेडी हैं। पम्पकिन कोटू भी जो है वो भी रेडी है, ठीक है। आप इसके ऊपर हरा धनिया वगैरह कुछ डाल सकते हैं। एंड द केक इज़ आल्सो रेडी, आटा गुड़ चॉकलेट का केक है। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा और कोरोना से बचिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे मास्क। अभी भी कहीं बाहर जाएँ, इन पब्लिक प्लेसेस, क्राउडेड प्लेसेस पहले तो नहीं जाएँ। अगर जाना पड़े तो प्लीज़ मास्क पहना करें, ठीक है। आपको लगेगा हम लोग नहीं पहन रहे, मेरे सामने सारा स्टाफ पूरा टाइम मास्क, ग्लव्स, और मैं भी पूरा टाइम मास्क पहनती हूँ ऑफिस में। सिर्फ मैं ऑन एयर जब होती हूँ शो पे, तब मैं मास्क निकालती हूँ। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑल द पीपल अराउंड यू, बिकॉज बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं, इट्स वेरी बैड। ओके जी, एक कॉलर है हमारे साथ। कौन है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना बोल रहे हैं। जी फरमाइए। प्रोग्राम आज का भी बहुत अच्छा है, रेसिपी अच्छी है। थैंक यू। सब्जियों के और ये सालन से रोजाना के हैं, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत मजे की रेसिपी होती है। ओके जी, बनाइएगा जरूर। हाँ इंशाल्लाह जरूर बनाते हैं। और जनाब आपकी ड्रेस बहुत 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 प्यारी होती माशाल्लाह। अच्छा जी, थैंक यू। और आज के सवाल के जवाब है, हम लोग गुड़ पापड़ बनाते हैं, लापसी बनाते हैं और जैसे वो आटा होता है बाजरे का, उसमें पीस के उसका मलीदा बनाते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। नोट कर दिया है आपका जवाब भी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, आज कौन जीता है डिलक्स हैंड मिक्सर एनएक्स की तरफ से? हो गई कुरा? हाँ, आसिफ एबटाबाद से। ओके जी, मुबारक हो आपको, जल्द कांटेक्ट किया जाएगा और आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। तो इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा, फीडबैक दीजिएगा और कल मुलाकात होगी 3:30 से 4:30 लाइव, देखना मत भूलिएगा। और मैं बना रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, द फिश कबाब्स एंड द सेमोलिना ब्रेड। फिश कबाब्स को हम ब्रिंजॉल के साथ यानी बैंगन के साथ किस तरह सर्व करेंगे वो आपने कल देखना है, लाइव रहना है, ठीक है। कुछ भी मिस आउट हो जाए तो रात में 12 बजे और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून एंड ऑल द पीपल जिन्होंने कॉल किया, मैसेजेस किए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मजीद मजेदार रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।